हेलो इंजीनियर, दिस इज रॉबर्ट सैदी। तो आज आपके लिए लाए हैं डिजिटल डोर लॉक जो कि स्वैप लॉक होगा। तो ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, इस कार्ड के माध्यम से आसानी से आप स्वैप करके दरवाजा ओपन कर सकते हैं, वो भी अपने दिया हुआ सीक्रेट लॉक के माध्यम से। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये आर्डिनो के द्वारा ये बना नहीं हुआ है, सिर्फ आईसी के माध्यम से इसको मैंने बनाया है। इस पर कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 3 4 5 आईसी और कुछ कंपोनेंट के माध्यम से आसानी से आप घर पे इसको बना सकते हैं। तो ये जो सर्किट है, बहुत ही इजी से मैंने यहाँ पे जो कि लेजर लाइट लगाया है और कुछ जो कि एलडीआर है, तो उसके माध्यम से हमने ये डोर लॉक बनाया है। आसानी से आप स्वीप करेंगे और दरवाजा ओपन हो जाएगा। तो चलिए, ये जो अच्छा सा एक प्रोजेक्ट है वो हम लोग किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो डिवाइस लगाया है और ये है डोर लॉक। तो इसके सामने अगर कोई फोटो लगाएंगे, तो फोटो अगर व्हाइट पेपर्स पे अगर लगाएंगे तो व्हाइट पेपर के अंदर से, होल के अंदर से लाइट जो कि ग्लो कर सकता है, जो यहाँ से लाइट वहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो जब भी इस पर क्रैश करेंगे तो ये डोर लॉक ओपन हो जाएगा, ये वाला लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं, तो इसको पावर देते हैं, तो अभी इस पर पावर आ गया है। देखिए, इस पर पावर आ गया है। जब भी डोर लॉक हम लोग ओपन करेंगे, ग्रीन कलर का LED ग्लो करेगा। तो अभी देखिए, देखा आपने, तो ग्रीन कलर LED ग्लो करने लगा। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं, ये जो होल है, होल के अंदर से लाइट पास होते हैं, तो जो जो होल के अंदर से लाइट पास होगा वही होल इसका की होगा और बाकी सारे लाइट ब्लॉक रहेगा। अगर बाकी सारे ओपन रहेगा तो ये लॉक काम नहीं करेगा। आपके हिसाब से आप इसका होल एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा होल पे कहाँ पे LED आपको पास करना है। तो फिर से आपको दिखाते हैं, तो देखा आपने, इस तरह ये काम करते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये पूरा का पूरा सर्किट किस प्रकार से हमने बनाया है, वो भी बिना आर्डिनो के। तो इस पर सिर्फ हमने 2 AAA IC से ये काम कर दिया है। तो अभी चलिए, ये डोर लॉक हम लोग, स्वाइप डोर लॉक हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं अपने घर पे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक के अंदर हम लोग ये जो LED है वो लगाएंगे, जो कि लेजर लाइट है, उसको हम लोग इस पर फिट करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर जो कि LDR फिट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये जो लेजर लाइट है वो LDR पे लाइट गिरेगा। उसके बाद हम लोग इसका सर्किट डिजाइन करेंगे। तो आप लोग ये प्लास्टिक कार्ड भी ले सकते हैं, या फिर अगर 3D printer हो आपके पास, या फिर आप कोई भी जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से आप इस तरह से बना सकते हैं, बना के आप लोग आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी चलिए, अभी हम लोग LDR को इस पर फिट करते हैं। अभी देख सकते हैं, यहाँ पे लेजर लाइट हमने फिट कर दिया और दूसरी तरफ LDR हमने फिट कर दिया और मिडिल पे गैप है, जो हम लोग कार्ड को स्क्रैच करेंगे उसी गैप पे हम लोग करेंगे। तो कार्ड के अंदर जो भी होल रहेगा, जो भी हम लोग कनेक्शन करेंगे, वही कनेक्शन अगर इस पे मिलेगा तो ही कार्ड सेंस करेगा और ये काम करेगा। अगर जो कि होल है, होल अगर नहीं कनेक्शन किया, मतलब किसी किसी पे डायरेक्ट रहेगा, किसी किसी पे बंद करना पड़ेगा, तो वही कार्ड पे हम लोग करेंगे। तो अभी चलिए, अभी सर्किट डायग्राम को हम लोग इस पर फिट करते हैं। फिट करने के बाद हम लोग इसको देखते हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं। Thank you.
अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे दो त्रिफलो ऐसे हमने लगाया है और एक जो कि रिले लगाया है। रिले को हम लोग काम करेंगे, डोर लॉक का जो सेंसर है, मतलब सेंसर मतलब डोर लॉक का जो लॉकर है, उसको हम लोग काम करेंगे इसी रिले के माध्यम से, क्योंकि वो तो 12 वोल्ट से चलता है लेकिन हम लोग ये सर्किट चलाएंगे 9 वोल्ट या 5 वोल्ट से चलाएंगे, तो इसलिए हम लोगों को रिले का जरूरत है। और इस पर हम लोग जो कनेक्शन है उसको करके हम लोग इसी सर्किट पे हम लोग बिठाएंगे। बिठाने के बाद हम लोग इसका जो कनेक्शन है, एलडीआर का जो कनेक्शन है, इस पर करेंगे। करने के बाद हम लोग ये सर्किट काम कर सकते हैं आसानी से। तो इसका जो सर्किट डायग्राम और जो डिस्क्रिप्शन सभी कुछ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मेरे वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे सभी वीडियो का लिंक का जो है, जो सर्किट डायग्राम होगा, सभी आप लोगों को मेरे वेबसाइट पर प्रोजेक्ट पर जाके आप लोगों को मिल जाएगा, सर्च करने पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए इसको फिट करते हैं, फिट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ये सर्किट हमने बना दिया, तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से इसको बनाया है। और इस पर जो स्वीप होगा वो कार्ड हम लोग अभी बनाएंगे। तो चलिए ये स्वीप करने वाला कार्ड जो है वो किस प्रकार से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं और इसको कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अभी ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग इसका जो कार्ड है जो हम लोग स्वाइप करेंगे वो कार्ड हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक जो कि कार्डबोर्ड ले लिया है इस तरह का, जो कि कार्ड के माप का ही है, ठीक है। तो काट जितना साइज का होता है उतना साइज का ये हमने काट लिया है। तो काट के अभी हम लोग इस पर स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के लिए एलडीआर जो है, जो एलडीआर के साथ हम लोग कनेक्शन किया है, जो जिसके इसका जो कि लाइट गिरने पे होगा और जिसका लाइट ना गिरने पे होगा, उसको हम लोग सेट करेंगे इस काट पे होल करके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका होल करेंगे। होल हम लोग किस पर अगर करेंगे, तो मैंने सेट किया है 3 नंबर को सेट किया है जो कि होल होगा, 4 नंबर को होल होगा, 6 नंबर को होल होगा। तो 3, 4, 6, तो इस 3 LED को हमने होल करेंगे और सभी को बंद रहेगा तो ये काम करेगा। तो 3, 4, 6 को हम लोग इस पर होल करेंगे, इस माप पे यहाँ पे रख के जो जो साइज का जहाँ पे होल होगा वहाँ पे ही हम लोग होल करेंगे। तो अभी हम लोग होल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको साइड पर रखेंगे। तो साइड में अभी रख दिया, तो अभी हम लोग मार्कर से हम लोग इसको होल करेंगे। तो मैंने क्या क्या बोला था, 3, 4 और 6, 1, 2, 3। तो 3 नंबर पे एक होल होगा, यहाँ पे एक होल होगा जो कि हम लोग मार्कर से सेट करेंगे। तो 3, 4, 6, तो हम लोग 3 होल यहाँ पे करेंगे और सभी और बाकी सारे बंद रहेगा। अगर होल अलग हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। अगर 3 पे होल रखेंगे और सभी पे होल रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग होल करके हम लोगों को दिखाते हैं। तो अभी ये कार्ड हमने बना दिया, तो इस पर 3 होल मैंने कर दिया। आप चाहे तो 4, 5, 6 जितने चाहे इतने होल कर सकते हैं और इस पर जितने चाहे इतने एलडीआर और जो कि लेजर लाइट आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा सिक्योर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको स्वीप करेंगे और ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखा आपने ये सर्किट किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी से हमने बनाया है। अगर ये सर्किट आप लोगों को अच्छा लगा, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा
तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।